आज तो आज हम ट्रेडिशनल स्टाइल में कुकिंग करेंगे, तो आपको जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले हमने इस तरह के ब्लॉक ले लिए, ब्लॉक लेके नीचे रेत बिछा देंगे, इस तरह से रेत बिछाएंगे तो हम बाहर कर लेंगे जगह को सेट कर लेंगे। इस तरह से ब्लॉक रखेंगे, इस तरह से खड़े कर लेंगे ब्लॉक और लंबे लंबे स्टाइल में इस तरह से हमें खड़े करना है, जिसमें गैप भी होना चाहिए। यूं करके हमने खड़े कर लिए ब्लॉक। तो देखिए हमने बना लिया है चूल्हा टाइप का, इस तरह से ब्लॉक वगैरह रख के साइडों से ना रेत वगैरह या आप चिकनी मिट्टी वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से हमने बना लेना। हमने चिकन वॉश कर लिए अच्छे से, दही ले लिए, लहसुन अदरक ले लिया और स्पाइसेस ले लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे, जो हमने चिकन को मैरिनेट करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से हमारी चिकन में जो होती है ना चिकन की घीन आती है वो चली जाती है। इसको अच्छे से पीस लेंगे, चिकन को हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। देखिए मैंने वॉश कर लिए, इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे इस तरह से ताकि हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। इस तरह से हमने कट्स लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद हमने करना है लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने कर लिया था पीस लिया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून और तिक्का मसाला जो भी आपको शॉप से अवेलेबल हो, तिक्का मसाला जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इससे बहुत ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस डाल देंगे और एक मेन चीज़ जो होती है इसमें हमारी योगर्ट टेस्ट लेकर आती है चिकन के अंदर, बहुत ही अच्छा और खट्टा मीठा टेस्ट लेकर आती है, वो ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट हमने ऐड कर दी इसमें। सबसे पहले हम चिकन को मिक्स करेंगे, मिक्स करने से पहले आपके हैंड वॉश अच्छे से होने चाहिए ताकि आपके गंदे हाथ फूड को ना लग सकें और बैक्टीरिया से भी बच सकें। इस तरह तो देखिए हमने सबसे पहले आग लगाएंगे, अखबार का पीस रख देंगे, कोयले वगैरह ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए हमने इस तरह से आग लगा लेनी है कोयले। देखिए हमारे कोयलों को आग लग चुकी है, बहुत ही मुश्किल बाद आग लगी थी कोयलों को, तो कोयलों को आग लग चुकी है। अब इसमें हम चिकन स्कीवर्स में लगाएंगे। पहले सबसे पहले हमने करना है इस पर ऑयल लगाना, इस पर ऑयल लगा देंगे दोनों को लगा देंगे इस तरह से। स्कीवर हमने ले लेना इस तरह से, इसकी जो हड्डी का जोड़ है ना, हड्डी का जोड़ इसके अंदर हमने स्कीवर घुसाना है, वो घुसा के अपने चिकन को इस तरह से करना है, यूं लगाना है। फिर हमने दूसरा वाला लेना है, नीचे वाले को भी यूं करेंगे और यूं उठा के इस तरह से लटका देंगे इस तरह से चिकन। देखिए इस तरह से हमारी चिकन कुक होती जाएगी, देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखिए हम अपनी चिकन को देखते हैं, तकरीबन 30 से ऊपर ही होगा टाइम, तो इसे निकालते हैं। तो देखिए ये हमारी चिकन है, इसे बहुत ही ख्याल से निकालेंगे। देखिए ये हमारी चिकन को हम चेक करेंगे प्लेट में रख के, ये कुक हुई है या नहीं बहुत ख्याल से, मतलब कि इसके अंदर अभी थोड़ी सी और कसर है। तो अंधेरा हो रहा था इस वजह से मैंने बोला कि मैंने वीडियो शूट कर लूं
आखिरी शूट। तो देखिए इसमें अभी और टाइम लगेगा थोड़ा, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक टाइम लगेगा। देखिए वीडियो हमारी यहीं तक थी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, टाइम काफ़ी हो गया, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा हमारी वीडियो जो है शूट नहीं हो सकेगी। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।